घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा में भीषण गर्मी में बच्चों का रुख तालाब, नदी और कुंडों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तालाबों की दीवारों से छोटे नाबालिग बच्चे छलांग लगाकर बच्चे में कुंड में गोते लगा रहे हैं। पानी भी इनमें भरा हुआ है। जान जोखिम में डालकर बच्चे कुंड और तालाब में नहा रहे हैं। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, लेकिन वे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में ही गणगौर घाट पर एक बालक की डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। वही परिवार भी कुंड में नहा रहे अपने बच्चों से बेखबर है। शहर का प्राचीन पद्म कुंड और गणगौर घाट गर्मी में पानी से लबालब है। भीषण गर्मी के बावजूद कुंड में करीब 30 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में यह आसपास के क्षेत्रों के बच्चों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ सुबह से बच्चे नहाने पहुँच रहे हैं। बच्चों के नहाने के सिलसिला यहाँ सुबह से ही शुरू हो जाता है। यहाँ नहाने वाले बच्चों की उम्र 10 से 14 साल तक है। वे यहाँ जान की परवाह किए बिना कुंड में छलांग लगा रहे हैं। कुंड में नहाते समय बच्चे यहाँ स्टंट कर रहे हैं। कभी कुंड दीवार से पानी में कूद रहे हैं तो कभी एक दूसरे को कुंड में नहाने के लिए धक्का दे रहे हैं। यहाँ नहाने वाले बच्चों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तैरना नहीं आता, लेकिन वे यहाँ कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर नहा रहे हैं। पानी से लबालब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई है, लेकिन जोखिम उठाकर बच्चे यहाँ नहा रहे हैं। कुंड की सीढ़ियों पर कहीं भी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, न ही यहाँ सीढ़ियों के पास लोहे की रेलिंग है और न ही बच्चों को कुंड में जाने से कोई रोकने का बोर्ड है। ऐसे में बेधड़क बच्चे अपनी जान की परवाह किए बिना कुंड में गोता लगा रहे हैं। यहाँ नगर निगम द्वारा एक भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व में ही गणगौर घाट पर नहाते समय 18 वर्षीय किशोर प्रियांशु निवासी सियाराम चौक की मौत हो गई। मेरे संज्ञान में बात आई है कि नगरीय क्षेत्र में जो भी जलीय स्रोत हैं वहाँ पर कुछ दुर्घटना हो रही हैं, इनको रोकने के लिए हम प्रत्येक जलीय स्थल पर एक सूचना पत्र लगा देंगे कि पानी गहरा है, इसमें आप सावधानी रखें। और जनता से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी जगह ना भेजें जहाँ दुर्घटना संभावना हो।